हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ऐप टू रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने ड्रीम इलेवन की पुरानी आईडी को वापस लाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि ड्रीम इलेवन की पुरानी आईडी को कैसे खोल सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अमरजीत। इसे देखने के लिए चलते अपने फोन पे। सो हेलो फ्रेंड, यहाँ पे हम अपने ड्रीम इलेवन पे है और हमें यहाँ पे ड्रीम इलेवन की पुरानी आईडी को वापस लाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि ड्रीम इलेवन की पुरानी आईडी को कैसे खोल सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पे करना क्या है, तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया लॉगिन का, तो आप सभी को सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि ड्रीम इलेवन की पुरानी आईडी किस चीज से बना हुआ था। यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं जो प्रोसेस बताऊंगा आप सभी को सिंपली उसे फॉलो करना है। तो हमें यहाँ पे अपनी पुरानी आईडी अपने मोबाइल नंबर से वापस लाना है। तो चलिए मोबाइल नंबर पे क्लिक करते हैं। मोबाइल नंबर पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी नंबर है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना नंबर को सबमिट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपने नंबर को सबमिट कर दिया है। नंबर को सबमिट करने के बाद आप सभी को सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके नंबर में 6 डिजिट का एक OTP आएगा जो यहाँ पे आप सभी को वेरीफाई करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा वेरीफाई भी हो चुका है। तो सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पे चेकआउट कर लेना है कि आपकी पुरानी आईडी ये है या नहीं है, आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। तो चलिए हम इसे चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपकी पुरानी आईडी यही है या कोई और है, यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। तो जैसा कि यहाँ पे ये मेरा पुराना आईडी नहीं है, ये मेरा कोई दूसरा न्यू आईडी है, बट हमें यहाँ पे अपनी पुरानी आईडी को खोलना है। इसके लिए सबसे पहले तो आप सभी को सिंपली इसे लॉग आउट करना है। तो चलिए हम इसे लॉग आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को सिंपली माय इंफॉर्मेशन एंड सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया लॉग आउट, तो चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा आईडी लॉग आउट हो चुका है। उसके बाद आपको फिर से लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। मोबाइल नंबर पे क्लिक करने के पास आपके पास जो भी नंबर है वो सभी के सभी नंबर को आपको यहाँ पे डालकर चेकआउट कर लेना है कि आपकी पुरानी आईडी कौन सी है। तो चलिए यहाँ पे मैं किसी और नंबर को सबमिट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कोई और अदर नंबर को यहाँ पे सबमिट कर दिया है। उसके बाद आप सभी को सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सभी के नंबर पे एक छोटा सा एक OTP आएगा जो आप सभी को यहाँ पे सिंपली इसे सबमिट करना है। तो जैसा कि यहाँ पे मेरा OTP भी यहाँ पे आ चुका है, तो चलिए हम इसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, यानी मेरा अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पे लॉग इन हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे मैं प्रोफाइल पे क्लिक कर लेता हूँ। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ड्रीम इलेवन की पुरानी आईडी यहाँ पे मिल चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा लेवल भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप सभी को सिंपली इसी तरह से अपने डिफरेंट डिफरेंट नंबर से यहाँ पे आपको चेकआउट कर लेना है कि आपकी पुरानी आईडी कौन सी है। आप जैसे यहाँ पे ऐसा करते हैं तो आपकी पुरानी आईडी आपके फोन में लॉगिन हो जाएगा। तो इसी तरह से आप भी अपने ड्रीम इलेवन की पुरानी आईडी को वापस ला सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।